नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। बात करते हैं टोक्यो में शनिवार को यानी कि आज भारतीय उम्मीदों का दारोमदार स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पर होगा। देश के 23 वर्षीय हरियाणा के इस खिलाड़ी से एथलेटिक्स में पहले पदक की उम्मीद लगाए बैठा है। पहली बार ओलंपिक में खेल रहे नीरज ने बुधवार को अपने पहले ही प्रयास में 86.85 मीटर की दूरी नापकर फाइनल में प्रवेश किया था। उन्होंने अपने ही ग्रुप में ही नहीं बल्कि 32 खिलाड़ियों में शीर्ष रहते हुए खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। उनके साथ पाकिस्तान के अशरद नदीम भी पदक की दौड़ में हैं। यह दोनों 2018 के एशियाई खेलों में भी आमने सामने हुए थे। नीरज ने तब स्वर्ण जीता था और नदीम ने कांसा। अब यह दोनों ओलंपिक में भी एक दूसरे को चुनौती देंगे। भारतीय सेना के नीरज की ओलंपिक की तैयारियां 2019 में कोहनी की चोट और फिर कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने अपने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया। ओलंपिक में अपनी पहली ही थ्रो पर फाइनल में जगह बना ली। वह ओलंपिक से पहले सिर्फ 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए थे। इसमें क्वार्टन खेल ही विश्व स्तरीय प्रतियोगिता थी जहाँ नीरज चोपड़ा तीसरे स्थान पर रहे थे जबकि बेटर ने खिताब जीता था। खिताब के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जर्मनी के योहानेस बेटर 85.65 मीटर और फिनलैंड के लेसी एटलेट टालो 84.85 मीटर भी क्वालिफिकेशन में नीरज से पीछे दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। मौजूदा सत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ी क्वालिफिकेशन में ही बाहर हो चुके हैं। मौजूदा सत्र में शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में सिर्फ नीरज और बेटर ही फाइनल तक पहुँच पाए हैं। किसी भी खेल में भारत और पाकिस्तान जब भी आमने सामने होते हैं या उनके खिलाड़ी आमने सामने होते हैं तो दर्शकों की सांसें थम सी जाती है। चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी, हर खेल में दोनों टीमों का पुराना इतिहास रहा है। चाहे वो क्रिकेट हो या वर्ल्ड कप या फिर ओलंपिक खेलों में हॉकी हो, भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हमेशा से रोमांचक होती थी और होती रहेगी। अब टोक्यो में भी ये भिड़ंत दर्शकों को रोमांचित करेगी। 4 जुलाई यानी बुधवार को ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। भाला फेंक के मुकाबले में खिलाड़ियों को दो ग्रुप में बांटा गया था। भारत के नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर दूर अपना भाला फेंका और फाइनल के लिए टिकट कटा लिया। इस दूरी को तय करने के लिए कर नीरज अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहे। वहीं दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने 86.16 मीटर फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब इन दोनों का मुकाबला भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में होगा। इसका फाइनल 7 अगस्त को यानी आज शाम 4 बजे होगा। फैंस इस मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ग्रुप ए में नीरज चोपड़ा के अलावा जर्मनी के जोहान्स बेटर भी दूसरे नंबर पर बने रहे हैं। तो दोस्तों, करते हैं शाम को 4 बजे का वेट और देखते हैं ये रोमांचक मुकाबला। जब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।